आज मैं आपको इकोनॉमिक्स की टॉपिक जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में बताऊंगी। काफी सारे बच्चों को डाउट होता है जीडीपी एनडीपी के बारे में डिफरेंस का। तो जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये क्या होता है, जो ओवरऑल वैल्यू होता है, जो भी हमारे फाइनल गुड्स और सर्विस है जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती है जो एक साल के अंदर, ठीक है, उसकी जो कीमत होती है वही हमारी जीडीपी होती है। मान लीजिए कि टाटा ने एक साल के अंदर हमारी कंट्री में 20,000 की प्रोडक्टिविटी की है और एलजी जो साउथ कोरिया की कंपनी है उसने 10,000 की प्रोडक्टिविटी की है हमारी कंट्री के अंदर, तो हमारा टोटल जीडीपी क्या होगा, 30,000। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारा जैसे रिलायंस है, रिलायंस जो हमारी इंडियन कंपनी है बट ये कहाँ पर जाके सोचिए चाइना में काम कर रही है, तो इसने 5,000 की प्रोडक्टिविटी, तो ये जो है हमारे इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं हो क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी है बट ये काम कहाँ पर कर रही है, चाइना में जाके, तो इसकी जीडीपी हमारी कंट्री की जीडीपी, तो जीडीपी जो थी उस कंट्री के अंदर जो भी उत्पादन हो रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हो रही है उसकी जो वैल्यू होती है वही हमारी जीडीपी होती है या उस कंट्री की जीडीपी होती है, चाहे वो अपनी कंपनी हो या फॉरेन की कंपनी जाके जिस कंट्री में काम कर रही है। तो जीडीपी क्या होता है, एनडीपी प्लस डिप्रेशन। साथ साथ क्या होता है, अगर मान लो टाटा ने 20,000 की प्रोडक्टिविटी दी और एलजी ने 10,000 की और दोनों में 2,000 का लॉस हो गया, मैंने टीयर एंड वीयर सोचिए तो डिप्रिसिएशन हो गया, लेकिन क्या होगा जीडीपी में हम उसको काउंट नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, वो साथ में ही रहेगा, यानी कि टोटल अगर 20,000 है तो 30,000 ही हमारी जीडीपी होगी, इसलिए डिप्रिसिएशन को लेकर के हम जीडीपी काउंट करते हैं। तो अब एनडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारी जीडीपी है जिस तरह वैल्यू ऑफ एवरी फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जैसे समोसा है उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, आलू मैदे मसाले की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप वो सब खरीद, तो आप समोसा खरीदोगे दुकान में जाके, यानी कि जब वो सब मिलाकर उन चीजों को मिलाकर एक तैयार जो प्रोडक्ट हो जाता है समोसा वही हमारा फाइनल गुड्स है। सर्विसेज क्या है, सेवा, यानी कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, हॉस्पिटल हो गए, सब क्या हमारी कंट्री में सेवा प्रदान करते हैं, तो सर्विसेज, इन सब की जो नेटवर्थ वैल्यू होती है वही हमारी एनडीपी है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। जो अभी हमारे इंडिया के में जो टाटा की कंपनी के जो 2000 की लॉस हुई और एलजी की जो 2000 की लॉस हुई, तो यहाँ पर 30,000 हमारी जीडीपी थी, तो अब क्या हो जाएगी हमारी एनडीपी क्या हो जाएगी, दो दो चार माइनस कर देंगे 30 में से, तो 26,000 यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एनडीपी हो जाएगी, यानी कि 30,000 माइनस 4,000, यानी कि एनडीपी इक्वल टू 26,000। होप कि आपको समझ आ गई होगी एनडीपी। अभी अब देखिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारी जीडीपी में क्या था, टाटा और एलजी दो अलग अलग कंपनियां दोनों इंडियन टेरिटरी के अंदर काम कर रही थी, तो इनकी जीडीपी काउंट हो रही थी, रिलायंस की नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम नेशनल की बात करेंगे तो हम एलजी जो साउथ कोरियन कंपनी इसको एक्सक्लूड करेंगे और इंडियन की कंपनी जो चाइना में काम करी इसको इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि टाटा की 20,000 की, रिलायंस की 5,000 की जो प्रोडक्टिविटी है ये हमारी एड हो जाएगी, तो अब हमारी जीएनपी क्या होगी, 25,000 की होगी। अब अभी हमने प्लस और माइनस दोनों दिया है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि देखिए रिलायंस बाहर से आ रही है ये, तो ये हमारी कंट्री में क्या होगी, प्लस होगी, एलजी हमारी कंट्री से बाहर जाएगी तो जीएनपी में क्या होगी, माइनस हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दिया। अभी हमारे इंडिया की जीएनपी जो है माइनस में जा रही है, ठीक है। अब एनएनपी क्या है, सिमिलर जिस तरह से जीडीपी और एनडीपी है उसी तरह से जीएनपी और एनएनपी है, तो जीएनपी की जो वैल्यू होगी उसमें से हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एनएनपी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या किए थे, जीडीपी के साथ नेट इनकम जो बाहर से आ रही थी करते, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जीएनपी जो आई है हमारी उसमें डिप्रिसिएशन को माइनस, जीएनपी यानी कि क्या, टाटा कि 20,000, रिलायंस की 5,000, 25,000 थी हमारी जीएनपी, अब इसमें से डिप्रिसिएशन क्या, इसके 2,000 अगर मान लो टीयर वीयर जो भी डिप्रिसिएशन हुआ था, और मान लो इसमें भी 1,000 का हुआ, टोटल 3,000 की हमारी डिप्रिसिएशन हो गई, यानी कि 25 में से 3 हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो अब हमारी कितनी हो जाएगी, एनएनपी हो जाएगी, 25 में से 3 माइनस तो 22,000 की। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीएनपी और एनएनपी क्या है। तो ये जो है हमारी कंट्री के हर साल काउंटिंग होती है, वैल्यू कितनी की है। होप कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।